बड़ी दूर से आए हैं। ये जिस नगमे की झलक आपने सुनी वो एक समय मोहब्बत और प्यार लुटाने का पैगाम बन गया था, बड़ी दूर से आकर प्यार का तोहफा लाने का पैगाम। ये गीत रिश्तों और दिलों को जोड़ने का आधार बन गया था। इस गीत के बगैर रिश्ते नाते नहीं बनाते थे, इस गीत के बगैर कोई भी रिश्ता नाता नहीं जुड़ता था। यह गीत संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के लिए गर्व का कारण बन गया। दोनों को इस बात पे गर्व था कि उन्होंने ऐसा गीत बनाया जिसको मोहम्मद रफी जैसे महान गायक अपने स्टेज प्रोग्राम की शुरुआत करने के लिए चुनते हैं। इस बात को कल्याण जी आनंद जी ने कई बार अपने इंटरव्यूज में कहा था कि रफी साहब हमारे इसी गाने से अपने लाइव शोज की शुरुआत करते हैं। रफी साहब इस गीत की शुरुआत कुछ ऐसे अंदाज में करते कि सुनने वाले पागल हो उठते और बड़ी दूर से लाए हुए इस तोहफे पर फूले नहीं समाते। बड़ी दूर से आए। इस वीडियो में आप इस गीत से जुड़ी और भी खास बातें जानेंगे, इसलिए हमारे इस वीडियो को अंत तक देखिए और इसे लाइक और शेयर कीजिए। और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। तो चलते हैं उस वीडियो की तरफ। सभी देखने वालों की खिदमत में मैं जावेद नसीम अपना आदाब सलाम और नमस्कार पेश करता हूं और हमेशा की तरह आज फिर एक छोटी सी कहानी लेकर आप लोगों की सेवा में हाजिर हूं। फिल्मी गानों का हमारी जिंदगी से हमेशा से एक कनेक्शन रहा और यही वजह है कि हम अपने सुख दुख में फिल्मी गानों का सहारा लेते हैं, खास तौर से शादी ब्याह के मौके पर, ख्वाह वो मेहंदी हो या सगाई या शादी या विदाई। और मजे की बात है कि ऐसे मौकों के लिए भी रफी साहब के बहुत सारे नगमे मौजूद हैं, जैसे आज मेरे यार की शादी है, मेरा यार बना है दूल्हा, घोड़ी पे होके सवार, बाबुल की दुआएं लेती जा। लेकिन साथ ही साथ मोहब्बत और प्यार के सौगात की बात करें तो याद आता है 1973 में बनने वाली फिल्म समझौता का ये गीत, बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं। बड़ी दूर से। समझौता के अदाकार थे अनिल धवन, युगिता बाली, शत्रुघ्न सिन्हा, प्रदीप कुमार, जानकी दास, सलोचना, सज्जन, नाज और किश्तो मुखर्जी वगैरह। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था संदीप सेठी ने और डायरेक्ट किया था अजय विश्वास ने। संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने और गीत लिखे थे इंदिवर और वर्मा मलिक साहब ने। और आवाजें थी लता मंगेशकर जी, किशोर कुमार जी, मुकेश जी और मोहम्मद रफी साहब की। 2 घंटा 2 मिनट और 45 सेकंड की इस फिल्म के तमाम गाने ही बेहतरीन थे। समझौता गमों से कर लो, समझौता गमों से कर लो, न रूप देखिए न नाम देखिए, तनक तन तंडा, ये तीनों गाने किशोर कुमार जी की आवाज में थे। लता जी की आवाज में समझौता गमों से कर लो, समझौता गमों से कर लो, रफी साहब की आवाज में बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं, बड़ी दूर से आए हैं। इस गाने के दो हिस्से हैं, एक जो सिर्फ रफी साहब की आवाज में है और दूसरा जिसमें रफी साहब के साथ मुकेश जी की आवाज भी शामिल है। प्यार का तो अरे भैया सुन, रफी साहब की आवाज में, अरे सुन भैया सुन, सबके रहते लगता है जैसे कोई नहीं है मेरा, मेरी किस्मत में है ठोकर यो, जो दिलों के नाते हैं। इस हिस्से को सैड वर्जन के रूप में भी इस्तेमाल किया गया था जिसकी ड्यूरेशन 1 मिनट और 51 सेकंड की है। यूं तो फिल्म का टाइटल सॉन्ग भी बड़ा ही खूबसूरत था
और इसे लता जी और किशोर जी दोनों ने ही अदा किया था। समझौता गमों से कर लो, समझौता गमों से कर लो। लेकिन जिस गाने ने लोगों के दिलों में घर बना लिया और लोगों की जुबान पे बैठ गया, वो था बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं। जो दिलों के नाते हैं वो जोड़े नहीं जाते। और यकीन कीजिए कि लोग सलाम के साथ साथ इस गाने का मुखड़ा भी कहने लगे थे। प्यार का तोहफा लाए हैं। उस जमाने में शायद ही कोई ऐसी बारात हो या ऐसी महफिल हो जिसमें यह गाना खास तौर से न बजाया जाता हो, यानी कोई भी तकरीब इस गाने के बिना मुकम्मल ही नहीं होती थी। और रफी साहब को भी यह गीत इतना पसंद आ गया था कि अपने हर शो में, चाहे वो भारत में हो या विदेश में, इसी गाने से शुरुआत करते थे। और लोग तो जैसे इस गीत में छुपे रफी साहब की मोहब्बत को पाकर दीवाने से हो जाते थे। और रफी साहब भी अपने शोज में इस गीत को जरा अलग अंदाज से गाते, और उनका अंदाज इतना दिल फरेब होता कि वो महज एक फिल्मी गीत न होकर एक मोहब्बत का पैगाम बन जाता। बड़ी दूर से आए हैं। हर सुनने वाले को ऐसा लगता कि रफी साहब उनसे ही कह रहे हैं कि बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं। फिल्म का ये गीत सबके रहते लगता है जैसे कोई नहीं है मेरा, बहुत ही खूबसूरत और दर्द में डूबा हुआ गीत है, जिसे तन्हाई में सुनकर तो पलकें भीग जाती हैं। यूं तो इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग भी बहुत ही खूबसूरत था, और लता जी और किशोर जी ने अलग अलग इस गाने को निभाया भी शानदार तरीके से था। लेकिन बड़ी दूर से आए हैं का हाल ये था कि लोग भूल गए कि कौन सी फिल्म थी या उसका स्टार कास्ट क्या था। बस याद रहा तो सिर्फ इतना कि बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं। और एक बार ऐसा हुआ कि फॉरेन टूर से रफी साहब की वापसी के बाद जब उन्होंने ये बात कल्याण जी को बताई कि मैं आपके इसी गीत से प्रोग्राम की शुरुआत करता हूं, तो वो बहुत खुश हुए और रफी साहब का शुक्रिया अदा किया। तो दोस्तों, रात गई, बरसात गई, पर इस गीत का जादू आज भी बरकरार है। मैं किसी और शहर में बैठा हूं, आप कहीं और, पर मैं भी यही कहूंगा कि मेरी ये वीडियोस महज वीडियोस नहीं, मेरी मोहब्बत का तोहफा है जो मैं बहुत दूर से लेकर आया हूं। हमारे वीडियोस को यूं ही देखते रहिए, पसंद करते रहिए, शेयर करते रहिए। और अब अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाजत दीजिए बहुत सारी मोहब्बतों के साथ, ये कहते हुए कि बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं। बड़ी दूर से आए जो दिलों के नाते।